इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी से कि 2 मिनट में संबोधन इस सभा को करें, संबोधित करें सभा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पर बैठे सारे हमारे सांसदगण, मंत्रीगण, सारे उम्मीदवार विधायकगण, मित्रों, मुझे आपसे सिर्फ 2 बात कहनी है। प्रधानमंत्री जी, जब भी कैबिनेट में विकास की चर्चा होती है तो हमेशा एक बात कहते हैं, तुम लोग चिंता करना, जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हो या बाकी सहयोग हो, नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में 15 साल में क्या किया है ये आपके सामने है। चाहे सड़कें हो या बिजली हो, गांव में बिजली है, सड़क है, आज प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि गांव में बिजली आ गई, गांव में सड़क आ गई, अब बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट लेकर के जाओ, ये हम लोग काम कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने का। और सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी बताएंगे, और दूसरी ओर जो वादा कर रहे हैं, तो पटना के सांसद के रूप में आज उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, फ्रेजर रोड की डीलाल एंड कंपनी की दुकान कहां गायब हो गई, मेफेयर का ईटिंग ज्वाइंट कहां गायब हो गया, पटना के कितने लोगों को पटना छोड़कर जाना पड़ा ये बताने की जरूरत है। अपहरण का उद्योग था, फिरौती का व्यापार था, ये हम लोगों ने देखा है। और देखिए उसी पटना में आज चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है, उसी पटना में आज बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, उसी पटना में आज फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, उसी पटना में और विकास हो रहा है, और करेंगे, पुल बनेंगे। तो आपको बिहार को कहां ले जाना है, उसी अंधकार में, उसी अपहरण में, उसी खौफ में, उसी दादागिरी में, उसी रंगदारी में, या शांति से आगे ले जाना है? अगर वो करना है तो बस एक ही है, एनडीए को जिताइए, एनडीए को बिहार में सरकार लाइए, और प्रधानमंत्री का तो कमिटमेंट है कि बिहार को हिंदुस्तान के विकसित देशों में, प्रदेशों में पहुंचाएंगे। बस यही आपसे अपील करता हुआ, प्रधानमंत्री जी हम सबों को आशीर्वाद दें, आप उत्साहपूर्वक उनका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मैं संक्षिप्त में आग्रह करूंगा 2 मिनट में, क्योंकि समय का अभाव है, बिहार के युवा जदयू के मंत्री श्री संजय झा जी को, जो अभी मिथिला से आए हैं कार्यक्रम में, कि 2 मिनट में अपना संबोधन संपन्न करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मंच पे जितने सम्मानित नेता बैठे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, ये तीसरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जितना सर्वेक्षण, जितना सर्वे जो आ रहा है पिछले 10-15 दिनों में, वो एक ही ओर इंडिकेट कर रहा है, एक ही बात बता रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जो लोगों का सहयोग समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार 10 तारीख को यहां पर बनेगी। और आप लोगों से अपील भी करता हुआ, आग्रह करता हुआ कि आने वाले चुनाव में कोरोना का प्रोटोकॉल मानते हुए बढ़ चढ़ करके वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मित्रों, बिहार की विकास की गाथा लिखने वाले ऐसे नायक जो इस मंच पे हैं, जिन्होंने रोड बना दिया, बिजली आपको दे दिया, और विकास की नई छलांग जो लेने जा रहे हैं बिहार के लिए, ऐसे निर्णायक चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री के, हम सब के प्रत्याशी और विश्वास के नेता, परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि आए और इस सभा को समझ। नीतीश कुमार जी,
आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नंद किशोर यादव जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबों के सम्मानित नेता आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, यहां उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा जी, और आज के इस कार्यक्रम के संचालक भाजपा के माननीय सांसद राज्यसभा श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित सभी विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए के सभी प्रत्याशीगण, एनडीए के चारों घटक दलों के सभी सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इन्होंने चुनाव के कार्यक्रम के लिए समय देने की कृपा की है और आज दो जगह कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां पधार चुके हैं, इसलिए मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। और आए हैं, हम सब उन्हीं को सुनने के लिए आए, और जो काम देश के विकास के लिए उन्होंने किया है और बिहार के लिए विशेष पहल कर रहे हैं, इसको कभी भूला नहीं जा सकता। इसलिए हम सब लोगों को एक एक बात को याद रखना चाहिए। और पता है आप सबको, अभी लोकसभा का जब चुनाव शुरू होने वाला था, उसके पहले ही जो आप जान रहे हैं कि पटना मेट्रो के निर्माण कार्य का इन्होंने शिलान्यास किया था, और अब पटना मेट्रो के निर्माण का कार्य चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, पटना शहर के लोग मेट्रो रेलवे का फायदा उठाएंगे और ये बहुत तेजी से काम हो रहा है। इसमें केंद्र सरकार का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ और केंद्र सरकार की स्वीकृति से ही ये सब काम हुआ है। और फिर जो काम स्मार्ट सिटी योजना की है, उसके भी कई योजनाएं चल रही है, बहुत अंतिम चरण में। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेऊर और करमली चक में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया था अभी सितंबर महीने में। तो कितना काम करवा रहे हैं और पूरे देश के लिए तो कर ही रहे हैं। और इस बिहार में आप जान रहे हैं, जो कोरोना का दौर तो पूरे दुनिया में चला है, अपने देश में भी है, उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने जो पहल की है, और बिहार को भी जिस प्रकार से भरपूर सहायता दी गई है, और ये कोरोना के दौर में क्या सहायता दी गई है आप बताइए। लोगों को अप्रैल महीने से लेकर के आज नवंबर महीने तक हर किसी को, जो कोई भी राशन कार्डधारी है, उन सब लोगों को, एक एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज और एक परिवार को 1 किलो आपको दाल या चना दिया जा रहा है। ये सब कोई मामूली चीज है। और किस तरह से लोगों को सहायता, महिलाओं को सहायता, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार को जो LPG का कनेक्शन दिया गया, अब उसमें 85 लाख से भी ज्यादा परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिया गया जब ये कोरोना वायरस का दौर चला। तो एक एक चीज का काम, हर प्रकार से काम, और हम लोगों के बिहार के विकास के लिए आपने जो कृपा की है, और कितने बड़े पैमाने पर सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में कितनी बड़ी राशि का आवंटन किया है, 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आवंटन, और उसमें कितना काम सब जगह हो रहा, एक एक काम। तो इन्होंने जो देश के लिए तो किया ही है, और बिहार के लिए भी हर चीजों में। और आप समझ लीजिए, अब कितने नए मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा, एक एक क्षेत्र में काम, हर जगह का काम। और अब आप जान लीजिए, पटना का एयरपोर्ट अब किस तरह से विकसित हो रहा है, और सिर्फ पटना ही एयरपोर्ट नहीं, इसके बगल में बिहटा एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा और बेहतर ढंग से। तो लोगों को कितनी सहूलियत होगी हर क्षेत्र में। तो जिस प्रकार से आपने
बिहार के लिए काम किया है, बिहार के लोग कभी भूल नहीं सकते। तो आज चुनाव के अवसर पर आए हुए हैं, आप करने आए हुए हैं, और अगर आप सब लोग इनकी अपील को मान करके आगे फिर काम करने का मौका एनडीए को राज्य में दीजिएगा, तो आप निश्चित जानिए कि ये बिहार को विकसित राज्य में तब्दील करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और अब तक जो कुछ भी संभव है काम हो रहा, अब आगे बहुत ज्यादा काम होना, इसके बारे में आप जान लीजिए। हर तरह की सुविधा, सिर्फ बिजली की सुविधा नहीं, स्वच्छ पानी की सुविधा, एक एक तरह की सुविधा हर तरह से। और अगली बार जब मौका मिलेगा तो एक एक चीज पर, एक एक चीज के साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से पर्यावरण पर कोई संकट नहीं उत्पन्न हो। तो इसलिए हम तो आए हैं, हम सब लोग यहां पर आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए। हम तो यही अपील करेंगे कि आप सब उनके आह्वान पर आप एनडीए को विजयी बनाइएगा, भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का भी, आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, इनका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब इंतजार खत्म हुआ और अब मैं आग्रह करता हूं, भारत के स्वाभिमान, विकास और वादा और भरोसा के नायक युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मंच से, इस चुनावी सभा को जो पटना के आसपास के 17 विधानसभा में लाइव भी दिखाया जा रहा है, मंच पर आए और हम सबों को अपने संबोधन से अनुग्रहित करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। महान पाटलिपुत्र के ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रमी वैभवशाली भूमि के प्रणाम करित हो, महान सम्राट अशोक, विश्वगुरु चाणक्य, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह के ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करी थी। बिहार के मुख्यमंत्री और भावी भी मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य साथी सांसद श्रीमान रामकृपाल यादव जी, पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पर विराजमान अन्य सभी सांसदगण, सभी पार्टियों के नेतागण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पटना, नालंदा और दूसरे जिलों के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे आप सभी साथियों,
और जो हजारों साथी डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं सभी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। हर बार की भांति इस बार भी आपका स्नेह और आपका जोश इस मैदान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में संदेश दे रहा है, पूरे देश में संदेश दे रहा है। मेरा आज दूसरी बार बिहार आना हुआ है। मैं जहां गया हूं ऐसा ही अद्भुत नजारा, ऐसा ही उमंग, ऐसा ही दृढ़ निश्चय मैं बिहार के लोगों में देख रहा हूं और इसलिए मैं बिहार की जनता का सर झुका करके वंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते डेढ़ दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार की, बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बढ़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है जाती ज्यादा है। लाल तैन काल का अंधेरा अब छट चुका है लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाएं इसकी भी आकांक्षा है। भाइयों और बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं?
जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। आज बिहार के शहरों को बिहटा जैसा नया और आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। पहले महात्मा गांधी सेतु की स्थिति सुधारने की मांग होती थी, अब पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं की मांग होती है। पहले गंगा जी की स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय था, अब गंगा जी का पानी तो साफ हुआ ही है, यहां पटना में रिवर फ्रंट भी बन चुका है। हाल में जो सरकार ने मिशन डॉल्फिन शुरू करने का फैसला किया है, ये मिशन डॉल्फिन के कारण उसका सबसे बड़ा लाभ गंगा के इस पार्ट पे होने वाला है। पटना और आसपास के लोग उसके कारण बहुत रोजी रोटी कमाने वाले हैं, सैकड़ों करोड़ रुपयों का खर्च होने वाला है। साथियों, पहले पटना में रिंग रोड की मांग होती थी, रिंग रोड बनी तो फिर मेट्रो की मांग तेज हुई। आज पटना मेट्रो पर काम चल रहा है तो दूसरे शहरों में भी ऐसी सुविधा की अपेक्षाएं बढ़ी है। आज पटना सहित बिहार के सभी शहरों में सड़क, पानी और सीवर जैसे बुनियादी मुद्दों पर तेज गति से काम किया जा रहा है। गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों का पानी ट्रीट करने के लिए, साफ करने के लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। गंगा जी के घाटों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। साथियों, एक समय था जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पटना आने के सिवाय कोई चारा नहीं था, अब बिहार में 33 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल चुके हैं। अब पासपोर्ट बनवाना और आसान हुआ है और ये मांग भी बढ़ी है कि और शहरों में भी ऐसे सेंटर खोले जाए। भाइयों और बहनों, बिहार के लोगों की इन अपेक्षाओं की पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो आपको भी भरोसा है, देश को भी भरोसा है, ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए कर सकता है। आपकी इन अपेक्षाओं की पूर्ति एनडीए के द्वारा होना तय है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के पीछे भी यही प्रेरणा है, यही प्रोत्साहन है। इस अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य देश के, बिहार के अपने सामर्थ्य को नई ऊर्जा देने का है। इस अभियान का लक्ष्य बिहार के युवाओं को नए अवसर देने का है, नए रास्ते दिखाने का है। इसके लिए एनडीए सरकार दिन रात काम कर रही है। बीते समय में शिक्षा से लेकर शासन तक, किसान से लेकर श्रमिक तक, ईज ऑफ लिविंग से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक के लिए अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए गए हैं। आज 3.5 दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को मिल चुकी है। इस शिक्षा नीति में
भाषा और अवसरों के अभाव के कारण बिहार का जो हमारा गरीब और वंचित छूट जाता था उसको सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। यही नहीं, बिहार जैसे राज्यों में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और क्वालिटी टीचर्स के लिए भी एक खाका इसमें खींचा गया है। साथियों, पढ़ाई ही नहीं, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अगर एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, इसी पार्लियामेंट के सत्र में हमने समाज के प्रति सामाजिक न्याय का यह कदम उठाया है, तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी सामाजिक न्याय का हक है। और इसलिए सामाजिक वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेवाओं से इंटरव्यू पहले ही खत्म किया जा चुका है। वे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मायाजाल था, उसे खत्म कर दिया। अब और एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम लिया है, अब कंपिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था में भी अभूतपूर्व सुधार किए गए हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब रेलवे, बैंक और दूसरी अनेक सरकारी भर्तियों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था, ये बहुत बड़ा सुधार है। अलग अलग एग्जाम खत्म होने से युवाओं की ऊर्जा, कोचिंग में लगने वाला धन और समय, परेशानी, सब कुछ बहुत कम हो जाएगा। इससे भर्तियों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, वरना पहले तो हर एक के लिए अलग फॉर्म भरो, हर एक के लिए अलग एग्जाम दो और एक ही डेट में दो एग्जाम आ गई तो कहां जाओ कहां ना जाओ परेशानी। ये सब अब खत्म कर दिया गया है और अब दूर दूर तक जाना भी नहीं पड़ेगा, अपने जिले में व्यवस्था मिल जाएगी, ताकि आप हिंदुस्तान की बड़े से बड़ी किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं आपका रास्ता खुल जाएगा। आज आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से अगर भाजपा और एनडीए नए रोजगार निर्माण का रोडमैप रख रही है तो उसके पीछे इन्हीं सुधारों का आत्मविश्वास है। साथियों, बिहार में आईटी हब बनने की पूरी संभावना है। यहां पटना में भी आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। सिर्फ ऑफिस ही नहीं खुला है, बिहार के नौजवानों के लिए नए अवसर भी खुले हैं। बीते सालों में दर्जन भर बीपीओ पटना, मुजफ्फरपुर और गया में खुल चुके हैं। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बात जरूर अपने मन को सवाल पूछिए, आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक
वो जुल्म झेला है। भाइयों और बहनों, आज देश में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने में उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्हें जंगल राज के दौर में यहां से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज जब देश में एक नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आ रही है तो बिहार का युवा अपने घर पर रहते हुए भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं, अरे आपका उत्साह मुझे मंजूर है भैया, मेरी आपसे प्रार्थना है, अभी काफी दिन काम करना है। साथियों, आज एनडीए सरकार का जोर है कि सरकारी सेवाओं और सरकारी सुविधाओं से कोई क्षेत्र या कोई व्यक्ति छूट न जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। पटना में ही शहरी गरीबों को 28,000 पक्के घर टेक्नोलॉजी के उपयोग से स्वीकृत हुए हैं। आज सैलरी हो, पेंशन हो, प्रमाण पत्र हो, स्कॉलरशिप हो, सब्सिडी हो, टैक्स हो, ऐसी सैकड़ों सुविधाएं, हर जानकारी आपके फोन पर उपलब्ध है। पूरी सरकार आपकी हथेली में है। बिहार में गांव में खुले 34,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स, ये सुविधाएं सामान्य नागरिक को दे रहे हैं। आज व्यापार कारोबार के लिए भी ज्यादातर परमिशन ऑनलाइन कर दी गई है, सिंगल विंडो की सुविधाएं दी जा रही है। अभी सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसे यहां एनडीए सरकार बनने के बाद लागू करने की पूरी तैयारी है। ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी से गांवों में जमीन की, घरों की, प्रॉपर्टी की मैपिंग हो रही है। एक बार मैपिंग होने के बाद लोगों को जमीनों का, घरों का प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद आपको अनेक झगड़ों से मुक्ति मिलेगी, बैंकों से कर्ज आसानी से मिलेगा। साथियों, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे समाज के हर क्षेत्र, हर व्यक्ति को तेजी से लाभ सुनिश्चित होता है, ये कोरोना काल में भी देखने को मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर मोबाइल को आधार और बैंक खातों से न जोड़ा गया होता तो इस संकट काल में बिहार की गरीब बहनों के खाते में करोड़ों रुपए सीधे कैसे पहुंच पाते। अगर पीएम किसान सम्मान निधि को टेक्नोलॉजी से न जोड़ा गया होता तो क्या बिहार के किसानों के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए पलक झपकते क्या पहुंच पाते? श्रमिकों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, पेंशन धारकों, ऐसे अनेक साथियों की सीधी मदद अगर ये न होता तो संभव नहीं थी इस कालखंड में। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की त्रिशक्ति ना अगर वो न होती तो बिहार के लाखों गरीब परिवारों के हक का राशन पहले की तरह जो 15 साल पहले होता था कोई हड़प लेता। कोरोना के इस काल में गरीब और मध्यम वर्ग के वो साथी जिन्होंने होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड या एमएसएमई के लिए लोन ले रखा है,
उनको भी बड़ी राहत दी गई है। भाई आपका उत्साह मुझे मंजूर है, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे साथी जो पहले नियमित रूप से किस्त चुका रहे थे लेकिन कोरोना के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए, उनको ब्याज में राहत दी गई है। ये काम भी टेक्नोलॉजी के उपयोग से पूरी पारदर्शिता के साथ तेजी से किया जा रहा है। भाई और बहनों, कुछ देर पहले मैं रविशंकर जी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने भी बड़ी अच्छी जानकारी मुझे दी है। लॉकडाउन के दौरान जब बैंक या एटीएम जाना मुश्किल था, तब डाक विभाग ने बिहार के 23 लाख बड़ी आयु के साथियों को घर बैठे बैंक से लेन देन की सुविधा दी है। कुछ साल पहले तक भारत में मोबाइल फोन चलाना, इंटरनेट चलाना सिर्फ साधन संपन्न लोगों का ही विषय माना जाता था। आज गरीब से गरीब के पास भी, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, समाज के हर वर्ग के युवाओं के पास अपना मोबाइल फोन है। सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं है, कॉल करना और इंटरनेट चलाना इतना सस्ता है, ये भी एनडीए सरकार की ही देन है। भाइयों और बहनों, निरंतर आगे बढ़ना, नए आयाम तय करना ही विकास है। अब देश के, बिहार के, गांवों के करोड़ों साथियों को गांव में तेज इंटरनेट चाहिए। 1000 दिनों के भीतर गांव गांव ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान भी बिहार से ही शुरू हो चुका है। लक्ष्य यह है कि बिहार के गांव गांव में ये काम आने वाले कुछ महीनों में ही पूरा कर लिया जाए। इससे हर गांव में सार्वजनिक वाईफाई सेवा मिलेगी। प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जीविका दीदियों को 1 साल के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। इससे गांव में बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और मरीजों की दवाई के लिए अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। भाइयों और बहनों, डिजिटल इंडिया के इस विस्तार से गांव और गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देना भी आसान होगा और अस्पतालों में होने वाली परेशानियां भी कम होगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से घर घर इलाज पहुंचाना आने वाले दिनों में संभव होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी शुरू किया गया है। इसके तहत बिहार के सभी नागरिकों का हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा। इससे गरीब को, मध्यम वर्ग के साथियों को अस्पतालों में लंबी कतारों में खड़ा होने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे डॉक्टरों की, अस्पतालों की पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीब मध्यम वर्ग को होने वाली परेशानी इससे कम होने वाली है। आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र और एम्स जैसे आधुनिक मेडिकल संस्थानों के बाद इस योजना का भी बिहार के सामान्य नागरिकों को बहुत लाभ होगा। साथियों, केंद्र की ऐसी अनेक लाभकारी और जनहित की योजनाओं का बिहार को तेजी से लाभ मिले, इसके लिए नीतीश जी के नेतृत्व में यहां एनडीए को जिताना बहुत जरूरी है। अगर अटकाने, लटकाने
और भटकाने वाले लोगों को, जंगल राज वालों को जरा भी अवसर मिलेगा तो जमीन पर इन योजनाओं को पहुंचाने में शायद मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब याद रखिए, बिहार के सामने आज दो बड़े खतरे हैं। एक खतरा जो पूरी दुनिया के सामने है, उसे बिहार अछूता नहीं रह सकता है, पूरी मानव जात के सामने खतरा है, और वो है कोरोना का है, जो आपके परिवार को बीमार कर सकता है। दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आपको वोट इस बार भी एनडीए को ही मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका जैसे मास्क पहनने से, दो गज की दूरी रखने से आप अपने और अपने परिवार को बीमारी से बचा सकते हैं, वैसे ही आप अपने एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। एनडीए यानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं एनडीए की बात करता हूं, इसका मेरा सीधा सीधा मतलब है भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इन चारों दलों के हर उम्मीदवार को भारी मतों से जिताना है। इसी आग्रह के साथ फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके संबोधन से बिहार अपनी नई छलांग के लिए तैयार रहेगा, ऐसा हम सब बिहारवासी आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः आपके आशीर्वाद से एनडीए का अगला सरकार यहां स्थापित होगा और बिहार अपनी नई छलांग की गाथा लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।